तो हेलो एवरी वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टार्च एंड सुक्रोज सिंथेसिस इन प्लांट्स तो प्लांट्स के अंदर स्टार्च और सुक्रोज का सिंथेसिस किस तरीके से होता है सो so, सबसे पहले आप देखिए कार्बन एलोकेशन टर्म क्या है कार्बन एलोकेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ फोटो एसिमिलेट्स टू ईदर सुक्रोज और स्टार्च देखिए जो खाना है सपोज दिस इज़ द लीफ जो खाना है किस फॉर्म में बना रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म में बना रहे हैं ठीक है उसका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा सुक्रोज की फॉर्म में होगा और स्टोर किस फॉर्म में होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है स्टोर होता है सो so, अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टार्च और सुक्रोज का किस तरीके से सिंथेसिस हो रहा है सबसे पहले हम स्टार्च का सिंथेसिस देखेंगे तो जो ट्रायोस फॉस्फेट है लेसरेली हाइड थ्री फॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट जो कि जनरेट हुआ था कैल्विन साइकिल से इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ बोथ स्टार्च एंड सुक्रोज दोनों के केस में ही ग्लिसरेलडीहाइट थ्री फॉस्फेट, विच इज द ट्राइज फॉस्फेट जो कि कैल्विन साइकिल में जनरेट हुआ था वो एज अ प्रिकर्सर के तौर पर यहाँ पर एक्ट करेगा अब यहाँ पर जो ग्लिसरेलडीहाइट थ्री फॉस्फेट है इट विल कन्वर्ट इन टू द फ्रैक्ट वन सिक्स फॉस्फेट

विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फॉस्फोर ग्लूकोम्यूटेज फिर ग्लूकोज वन फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ए डीपी ग्लूकोज के अनर विद द हेल्प ऑफ ए डीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरस फिर ए डी पी ग्लूकोज से बनेगा फाइनली स्टार्च विद द हेल्प ऑफ द स्टार्च सिंथेस नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं सुक्रोज का सिंथेसिस देखो सुक्रोज और स्टार्च का सिंथेसिस ऑलमोस्ट सिमिलर है डिफरेंस कहाँ पर है डिफरेंस है इस स्टेप में इससे ऊपर के सारे स्टेप्स आपके सेम होंगे बस एक स्टेप अलग है विच इज़ यहाँ पे ए डी ग्लूकोज बन रहा है सुक्रोज वाले में यू डी ग्लूकोज बनेगा तो चलो देख लेते हैं सुक्रोज का सिंथेसिस कैसे होता है सो so, यहाँ पे भी क्या होता है जो ट्रायोस फॉर्सफिट है ग्लिसरेलडी आइट थ्री फॉर्सफिट है जो कि कैलविन साइकिल में जनरेट हुआ था इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज अब ये जो ग्लिसरेल डी आइट थ्री फॉर्स्फिट है इट्स गेट कन्वर्टेड इन द फ्रैक्टोज वन सिक्स बिस्ट फॉर्सफिट एनजाइम क्या है एल्डोलीस फिर फर्दर ही कन्वर्ट होगा फ्राक्टोज सिक्स फॉस्फिट में एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटेलाइज करे दैट इज फ्राक्टोज वन सिक्स बिज फॉस्फिटेज सो यहाँ पे क्या था एल्डोलेज अब ये क्या है फ्राक्टोज वन सिक्स बिस् फॉस्फेट फॉस्फिटेज फर्दर फ्राक्टोज सिक्स फॉस्फिट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फिट में एंड द एनजाइम विच कैटेलाइजेज दिस रिएक्शन इज द हेग्जोज फॉस्फेट आइजोमेरिएज फिर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज वन फॉस्फिट के अंदर सेम जैसे हमने स्टार्स वाले में पढ़ा था बाई द एंजाइम फॉस्फो ग्लूको म्यूटेस अब जो है हमारा जो ग्लूकोज वन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा यूडीपी ग्लूकोज में स्टार्च वाले में क्या हो रहा था वो ए डीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था सुक्रोज वाले में वो यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा द एंजाइम विच हेल्प दिस कन्वर्जन इज द यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिज फर्दर यूडीपी ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा सुक्रोज फॉस्फेट के अंदर विद दी एंजाइम सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेस अब क्योंकि सुक्रोज फोस्फेट बन रहा है तो सिंथेस मतलब जो उसको उसकी सिंथेसिस करा रहा है दैट इज सिंथेस सुक्रोज सिंथेफेट फर्दर कन्वर्ट्स इन टू द सुक्रोज एंड द एंजाइम विच कैटेलाइज दिस रिएक्शन इज द सुक्रोज फॉस्फेट फोस्फेटेज ठीक है तो डिफरेंस क्या था दोनों की सिंथेसिस में सुक्रोज और स्टार्च में बस यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज बन रहा है और ऊपर क्या बन रहा है ए डी पी ग्लूकोज बन रहा है बाकी ऊपर के सेप्स जो है वो सेम है ठीक है तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास UDP पी ग्लूकोज बना अब यू डी पी ग्लूकोज बन गया सो so, जो सुक्रोज फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम है ये एंजाइम क्या करता है इट कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज रेजिड्यू फ्रॉम यूडीपी ग्लूकोज टू द फ्रैक्टोसिक्स फॉस्फेट जो यूडीपी ग्लूकोज में ग्लूकोज है ग्लूकोज रेजिड्यू है वो इस ये जो एंजाइम है इस ग्लूकोज रेजिड्यू को ट्रांसफ़र करा देगा किसके ऊपर फ्राक्टोज सिक्स फॉस्फेट के ऊपर जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा सुक्रोज फॉस्फेट बन जाएगा सुक्रोज सिक्स फॉस्फेट हमारे पास बन जाएगा फाइनली ये जो सुक्रोज सिक्स फॉस्फेट है वो क्लीव होगा द फॉस्फेट फ्रॉम द सुक्रोज आप देखो सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फिटेज सुक्रोज फॉस्फेट फॉस्फिटेज ये क्या करेगा फॉस्फिटेज यानी कि ये फॉस्फेट को क्लीव कर देगा मतलब ये जो फॉस्फेट है इसको यहाँ से क्लीव कर देगा जिससे कि हमें फाइनली क्या मिल जाएगा सुक्रोस मिल जाएगा सो दैट्स ऑल फॉर टूडे इफ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यून हैव अ ग्रेट डे